पहले तो बनारस के सभी पत्रकार भाइयों को ओम प्रकाश राजभर का नमस्कार। आज हम लोग इधर चंदौली कार्यक्रम रहा है आज, और वहीं से कार्यक्रम से आ रहे हैं, और एक दुर्घटना हो गई थी, पार्टी के नेता एक्सीडेंट हो गया था। कल वाराणसी मंडल की समीक्षा बैठक है, तो समीक्षा लेने के लिए माननीय विधायक बेदी राम जी, माननीय राजेश यादव जी, राजेश गौंड जी, गणेश चौहान जी, पूरी टीम आई हुई है। समाजवादी पार्टी की टीम का एक बड़ा सिपाही जो है वो आपको छोड़कर जा चुका है, और आपके ऊपर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए। बिन पेडिकल होता धोखेबाज, कई तरह का सबसे बड़ा झूठा नेता भी आप ही को करार देते हैं। देखिए, हम काम पर विश्वास करते हैं। ये वही बनारस है जहां जब मैं शुरू किया तो लोगों ने मजाक बनाया, और वो दौर पैदा किया कि राजेश यादव जी बैठे हैं बनारस से, राजेश यादव और चौहान जी पिछला पंचायत जीते बनारस में, और इसी बनारस में एमएलए जीते, पिछले चुनाव में 4 जीते, इस चुनाव में 6 जीते। अब जुगाड़ बना रहे हैं दिल्ली की पार्लियामेंट में, पार्टी के लोगों को पहुंचाने की तैयारी में हैं। हम काम करते हैं, काम पर विश्वास करते हैं। कल आइएगा, देखिएगा, आपके आशापुर पार्टी कार्यालय पर वही समीक्षा है। क्या ऐसा हो गया था? हम तो अभी गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और अखिलेश जी कह देंगे जिस दिन कि नहीं, हमारा आपका गठबंधन नहीं, उस दिन तो फिर हम देखेंगे। फिर विधानसभा के दौरान जो है कई लग्जरी गाड़ियां जो है बांटी गई थी, अब वो जो है धीरे धीरे वापस ली जा रही है। आपके वहाँ आपके आवास पर भी कोई एक गाड़ी थी, उसको जो है फॉर्चुनर। और अब जैसे कोई मिलने आवे समाजवादी पार्टी का नेता, या हम मिलने गए मान लीजिए मुख्यमंत्री से, या यूं कह लीजिए कि किसी के दफ्तर में हम चले जाएं मिलने, हमारी फ़ोटो खींच के कह दी, आपको छोड़ डाल सकता है। और मैं, आप लोग भी देखते हैं, मैं बराबर इनोवा से चलता हूं। आज के लगभग 17 साल पहले इनोवा खरीदा, जो आज डॉक्टर बलिराज जी उससे चलते हैं, फिर आज के 4 साल पहले एक इनोवा खरीदा जिससे हम चलते थे, फिर आज के लगभग 2.5 साल पहले हमने एक इनोवा खरीदा। हम इनोवा से चलते हैं। और जो व्यक्ति कह रहा है, हम तो कहते हैं मर्द अगर हो कहने वाला, देख खरीद के हमको दे ही देता तो मजा आ जाता। अगर बात की अध्यक्ष जी, तो लगातार शशि जी जो है आरोप लगा रहे हैं कि एक ओर एसी से निकल कर अखिलेश यादव को सलाह दें, दूसरी ओर जो फार्चुनर है उनके फार्चुनर से चल रहे हैं, तो इस पर आप क्या क्या करना है? सामने खड़ी है गाड़ी, आप अपना कैमरा ले जा करके फ़ोटो खींच लीजिए। मैं जब भी आपके यहाँ आया हूँ, जब भी आप लोगों से मिला हूँ, चुनाव भर आज मुझे लगभग 17 साल हो गया मैं इनोवा से चलता हूँ। फार्चुनर पटक के ना जितना हम चलते हैं, कमरिया तोड़ दी हमारी, समझते हैं ना? सचिन प्रताप ने एक और भी आरोप लगाया है कि आपके साथ